हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आप लोग कैसे अपने घरों पे? आई होप सभी बच्चे अपने घरों पर बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक हैं और अपना अपना काम बिल्कुल टाइम से कर रहे हैं। बिकॉज आपकी मेहनत आपको एक दिन जरूर रंग लाएगी और जल्दी ही हमारे स्कूल्स भी जब ओपन होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने घर पर मेहनत की है उसका आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलता है। चलो उसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। इसमें हम 2 क्वेश्चंस पहले से कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन रह गए थे, 3rd और 4th, दोनों आज फिनिश कर देंगे। और लेकिन एक चीज देखने लायक है कि यहां पर जो 3rd क्वेश्चन है वो भी सेम है, किस जैसा है, वो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा। बस उसके अंदर 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा आ रहे हैं। कैसे? बिकॉज देखो यहां पर पहले क्या होता था, या तो सिर्फ एड या सब्ट्रैक्ट होता था या फिर हो सकता था कि वो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होता था। अब यहां पे सब्ट्रैक्ट भी आ गया और मल्टीप्लाई भी आ गया, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? ठीक है, अब देखो आपने एक चीज देखी होगी, यहां पे कुछ रूल काम करते। जब ऐसा कुछ आपको दिखाई दे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स होने की तरफ चल पड़ा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जहां से आपको एक से ज्यादा चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्ट भी। ऐसे लीनियर इक्वेशन जहां पर मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्ट या फिर एड भी है, पहले आपको एडिशन वाली चीजें हटानी पड़ेंगी वहां से, एडिशन वाली या सब्ट्रैक्शन वाली। तो इस केस में आप सबसे पहले क्या करोगे, इस -2 को हटाओगे। -2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे ऐड 2 ऑन बोथ साइड। तो ऐसा करने से क्या होगा, 3n -2 +2 इज इक्वल टू 46 +2। बिकॉज हमने ऐड किया ही इसलिए था ताकि ये यहां से कैंसिल हो जाए, और यहां पर तो हमें सेकेंड साइड पे करना ही पड़ता है। ये हो गया 3n इज इक्वल टू 48। नाउ अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, या डिवाइड बोथ साइड बाय 3, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, 3 से डिवाइड करो, 3n, तो यहां पे लिख दो 3n डिवाइडेड बाय 3, 48, 48 बाय 3, 3 से कैंसल तो n आ गया, यहां से क्या होगा, 3 1 जा n, 3 6 जा 8, तो ये आ गया 16। दिस इज योर आंसर। तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या था, यहां पे आपको कंसेप्ट समझाना। और कंसेप्ट क्या है, जब आपकी दो चीजें साथ में आ जाए, एडिशन वाली और मल्टीप्लाई वाली या फिर डिवाइड वाली। ठीक है, देखो इस केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों भाई भाई की तरह काम करते हैं, साथ में जो काम यहां पे होगा ना वो काम करना पड़ता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो यहां पर अगर माइनस या प्लस में है और यहां पर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, ठीक है, समझ रहे इस बात को, तो रीजन जो मैं बताया था आपको वो सेम रहने वाला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले को सोल्व करेंगे। यहां पे सब्ट्रैक्शन है तो पहले इसे सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जब आपका मल्टीप्लाई बचेगा तब उसे सोल्व करना है। अगर किसी बच्चे ने पहले 3 से डिवाइड करने की कोशिश की तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ये स्टेप बाय स्टेप करने की चीजें हैं, पहले आपको 2 सेपरेट करना पड़ेगा फिर 3 की बारी है। ओके, चलो अब इसकी बारी। यहां पर आपके पास क्या है, 20/3 एंड पी इज इक्वल टू 40। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, कैसे, बिकॉज यहां पे कोई सब्ट्रैक्ट या माइनस नहीं है, ना तो माइनस है ना ही प्लस है, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब एक एक करके पहले डिवाइड से सोल्व कर लो और फिर मल्टीप्लाई सोल्व कर लेना। तो डिवाइड में कौन है, 3, इसको हटाओगे तो क्या करोगे, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, वी गेट
गेट, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। 3 से तो कैंसिल हो गया, बचा कौन 20। बारी बारी से करना है, एक साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 43 जा 120। अब नॉर्मल बन चुका है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में भी यही चीजें सीखी थी, है ना। अब क्या करोगे, यहां से इस 20 को डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय 20, वी गेट डिवाइड बोथ साइड बाय 20। जब 20 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा 20p, और डिवाइड में कौन आ जाएगा 20, बिकॉज काम दोनों साइड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड को भी 20 से डिवाइड कर दिया। नाउ 20 से तो 20 क्या हो गया, कैंसल, और यहां पे 20 से 120 जाएगा 6 पे। टेबल आती है आप लोगों को? यस, मुझे मालूम है आप लोगों को आती है। तो बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से ए और सी पार्ट मैंने आपको करवा दिया, बी और डी पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दिया। अब अच्छे से इन दोनों क्वेश्चंस को समझो, कंसेप्ट समझना आपको, ठीक है। जो हमारा बी पार्ट है उसमें ये वाला कंसेप्ट लगेगा, और जो हमारा डी वाला पार्ट है उसमें ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। दोनों कंसेप्ट आप समझो और उसके अंदर अप्लाई करो। चलो इतना मैं आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन आपका सेम टू सेम, जैसे आपने 3 क्वेश्चन किए आपके इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है। बाकी को सभी क्वेश्चन में क्या था, वन बाय, जैसे एक क्वेश्चन में एक तरीके के क्वेश्चन थे, फिर सेकंड क्वेश्चन में थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे, थर्ड क्वेश्चन में थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन, यानी 3 टाइप्स को अलग अलग क्वेश्चन में दिया हुआ था। फोर्थ में क्या किया, सबको मिक्स कर दिया, खिचड़ी बनाई और आपको दे दिया, अब खाओ, है ना। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, अलग अलग से सभी को उठाओ और सोल्व कर दो, क्योंकि सारी चीजें आप सीख चुके हो। वैसे तो बताने की भी जरूरत नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है, लेकिन फिर भी अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा और चीजों को समझा देता हूं, ठीक है। तो बात रही हमारे फर्स्ट पार्ट की, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं, देखो 10p = 100, पहला ये सेकेंड क्वेश्चन जैसा हो गया जिसमें मल्टीप्लाई था, तो 10 किसके साथ है, पी के साथ मल्टीप्लाई। सोल्व करना है, क्या करोगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड, डिवाइड ऑन या डिवाइड बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड बाय 10, डिवाइड बोथ साइड बाय 10। जब आप इसे 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहां पर आपको मिलेगा 10p / 10 = 100 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 से 10 कैंसिल, और 10 से 100 कितने पे कैंसिल होगा, 10 पर। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p = 10। दिस इज योर आंसर। अब बताओ आंसर सिंपल था या नहीं, ठीक है। अब चलो कोशिश करते हैं हमारे बी पार्ट को, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दिया होगा आपने, क्या है, प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। ये आपका प्लस में आ गया और ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको सोल्व करना है, क्या करोगे, सिंपल सी बात है, पहले मैंने आपको बताया था प्लस वाली वैल्यूज को सोल्व करो, तो यहां क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, बिकॉज प्लस का 10 हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहां करेंगे सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड होगा क्या, 10p + 10, फिर हमने क्योंकि माइनस किया है 10 को, 100 - 10। अब यहां से ये दोनों तो कैंसल, बचा क्या, 10p = 100 में से 10 जाएगा तो 90। अब देखो ये सिंपल सा कैसा बन गया, ये जस्ट ऐसा बन गया, है ना, 10p = 100, ये क्या है, 10p = 90। क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे बोथ साइड बाय 10, डिवाइड बोथ साइड बाय 10। 10 से डिवाइड करोगे तो वी गेट 10p / 10 = 90 / 10,
10 से 10 तो कैंसल और यहां से 9 पर कैंसल, तो आप कह सकते हो P इज इक्वल टू 9. दिस इज योर आंसर. है ना बहुत ज्यादा सिंपल. चलो इसी के साथ पहले D पार्ट कर लेते हैं फिर K पार्ट कर लेंगे. ठीक है, अब देखो D पार्ट में क्या है आपके पास, माइनस पी बाय में 3 इज इक्वल टू 5. थोड़ा सा नया है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया. वैसे तो मैं शुरुआत में नहीं सोच रहा था इसको करवाने की, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसके साथ माइनस है और माइनस साइन आपको पता ही है क्या है, हमारे मैथमेटिक्स का थोड़ा सा दुश्मन है और हमें दुश्मनों से डरने की नहीं बल्कि सावधान यानी अलर्ट रहने की जरूरत है. बस आप इसमें अलर्ट रहो. ठीक है, अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना. आप क्या करोगे, जस्ट पी बाय 3 देख लिया आपने, 3 को सोल्व करो पहले, बाकी सब बाद में. तो 3 को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई. तो यहां लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, वी गेट, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई माइनस पी डिवाइडेड बाय 3. माइनस पी को थोड़ा ब्रैकेट में रख दो, बिकॉज जब मल्टीप्लाई और माइनस का साइन हो तो बस ब्रैकेट रख दो. ठीक है, इतना याद रखोगे हमेशा के लिए, जब भी मल्टीप्लाई और माइनस साइन इकट्ठे आ जाए तो माइनस साइन को ब्रैकेट में पुट कर देना, याद रखना हमेशा, कभी भी आ जाए. ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 3. तो यहां तो 3 से 3 कैंसल और बचा क्या, माइनस 5 इज इक्वल टू 5 3 15. अब एक चीज ध्यान से देखनी है आपको. ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. अगर मैं यहां लिख रहा हूं x, क्या लिख रहा हूं x, तो इसके साथ कोई कोफिशियंट है, यानी कोफिशियंट क्या होता है, उसके आगे वाला न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या इसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई. तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, एक फ्री की चीज जो आप हमेशा भूल जाते हो वो होता है 1. अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं x के साथ, आंसर क्या आएगा, x आएगा, बिकॉज 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आता है ना. तो अब आप 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि अगर x दिख रहा है ना तो उसके साथ ये सोच लो 1 तो है. अगर माइनस x होता तो उसके साथ कौन होता, माइनस 1 होता. ठीक है, तो इसके साथ भी कौन है, माइनस 1. ठीक है, क्या है यहां पर, इसके साथ है माइनस 1. कौन है, माइनस 1. अब इस माइनस 1 से डिवाइड कर दो, तो लिखो यहां पे डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस 1. ठीक है, या फिर एक काम और भी कर सकते थे, यहां पर हम जो ये माइनस है वो 3 के साथ लेके माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यहां का तो माइनस माइनस प्लस आ जाता, प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो कर दिया सो कर दिया. ठीक है, वी गेट माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय माइनस 1. ठीक है, इस तरीके से, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और 15 डिवाइडेड बाय माइनस 1, जिसका आंसर आ जाएगा माइनस 15, एंड दिस इज योर आंसर. हाँ मुझे मालूम है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग लगे, तो p की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, माइनस 15. इसीलिए तो करवाया है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन शायद अब कंफ्यूजन दूर हो जाए. ठीक है, चलो अब के पार्ट वैसे करवाने की खास जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों को आता है सब कुछ, लेकिन फिर भी बता देते हैं. यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले प्लस वाली चीज को हटाओगे. कैसे हटाओगे, सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड. तो क्या होगा, 2q प्लस 6 माइनस 6 0 माइनस 6, ये दोनों कैंसल. 2q इज इक्वल टू 0 माइनस 6 का आंसर आ जाएगा माइनस 6. ठीक है, 0 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 6, बिकॉज हमें पता है आंसर कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आता है. अब 6 में से 0 कितना जाएगा, 0, 6 में से 0 कैंसिल होगा, माइनस होगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और साइन कितना है, किसका है, 6 का है बड़ा, तो माइनस 6. अब 2, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड
बोथ साइड बाय टू, तो क्या मिलेगा? टू क्यू डिवाइडेड बाय टू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय टू, टू से टू कैंसल और टू से थ्री पे कैंसल, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस थ्री। एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो जाती है और जो बाकी की एक्सरसाइज है 4.3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।